MBBS के नए बैच के 80% छात्र तनाव में, ये वजह आई सामने। कानपुर प्राचार्य डॉक्टर काला ने बताया कि घर से दूर होने की वजह से लोगों में अलग होने की चिंता रहती है, यह एक दो साल तक रहती है। इसके अलावा पढ़ाई और नए माहौल का भी तनाव रहता है। कानपुर में मेडिकल पेशे की शुरुआत से ही भावी डॉक्टर तनाव की गिरफ्त में आ रहे हैं। उन्हें अवसाद और चिंता ने जकड़ लिया है। शनिवार को बॉयज हॉस्टल BH5 में लगे चिकित्सा शिविर में जांच की गई तो 80% छात्र छात्राओं में तनाव मिला है। इनमें से 70% ऐसे रहे जिनमें चिंता का स्तर अधिक पाया गया। 10 छात्र ऐसे मिले जिनमें रोग की जटिलताएं बढ़ रही थी। मेडिविजन कानपुर प्रांत और मेडिकल कॉलेज की आरोग्य कमेटी के बैनर तले बॉयज हॉस्टल 5 में पहली बार स्वास्थ्य एवं मानसिक परीक्षण शिविर लगाया गया। इसमें MBBS प्रथम वर्ष के नए बैच पैरा 2 के 120 छात्र छात्राओं की जांच की गई। इनमें से 65 ऐसे हैं जो तनाव में हैं। 15 छात्र छात्राओं में हाई ब्लड प्रेशर पाया गया। 3 छात्रों में हाई ब्लड शुगर मिला है। 3 छात्रों की हृदय की धड़कन नियमित रही है। 10 बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अधिक खराब मिला। GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने इसकी काउंसलिंग की व्यवस्था कर दी है। साथ ही स्थिति के मद्देनजर छात्र छात्राओं के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर सीमा द्विवेदी को नोडल अधिकारी बनाया है। साथ ही योग, प्राणायाम, खेलकूद की व्यवस्था कराई गई। शिविर के लिए मेडिसिन, मनोरोग, दंत रोग, अस्थि रोग समेत 5 विभागों के 5-5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी। घर छोड़ने और नए माहौल से तनाव, प्राचार्य डॉक्टर काला ने बताया कि घर से दूर होने की वजह से बच्चों में अलग होने की चिंता रहती है, यह एक दो साल तक रहती है। इसके अलावा पढ़ाई और नए माहौल का भी तनाव रहता है। बच्चों को दिलासा देने के साथ उनके योग, प्राणायाम, खेलकूद की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं।